हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, भारत ने खेल से पूरा वेस्ट हैरान। अरे वाह, पर मैं ये बोलूंगी, जो इंडिया भी जो भी करता है ना, वो ऐसा नहीं करता कि कोई ऐसा काम किया हो जिससे किसी को नुकसान हो रहा हो या कुछ गलत काम किया हो। जो भी काम करता है अच्छा करता है, ठीक वे से करता है, जिसमें मतलब कुछ गलत नहीं होगा, उस साइड से भी ठीक होगा, इस साइड से भी ठीक होगा। ये खासियत मैंने देखी है इंडिया की। अब जैसे अभी हमने न्यूज देखी श्रीलंका को हेल्प करने की, तो इतना अच्छा जेस्चर है कि भैया आपको हम दे रहे हैं बहुत कम इंटरेस्ट के अंदर, और आपने ये यूज करना है, पर साथ में क्या सामान लेना सिर्फ हमसे ही है। तो हर काम जो है ना, इतना अच्छा करते हैं कि ऐसे नहीं लगता कि भैया ये फायदा उठा रहा है या कुछ गलत कर रहा है, जैसे चाइना की तरह। तो इसमें भी देखेंगे कि बोल तो ऐसे रहे पर होगा बड़ा कुछ कमाल का ही। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने पश्चिमी देशों के धुएं निकलवा दिए हैं। ये बात मैं नहीं, इस खबर को सुनने के बाद आप लोग भी कहोगे। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 3 दिनों के अंदर भारत रूस को बर्बादी के मुंह से बाहर निकाल लाया है। और मजेदार बात यह है कि पश्चिमी देशों के न्यूज चैनल, पत्रकार और बड़े बड़े न्यूज़पेपर सब ये बात कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों को भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, भारत पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। यहां तक कि ब्रिटेन की सरकार के मंत्रियों ने तो यह भी कहा है कि जी भारत से हम डिसअपॉइंटेड है, भारत ने यहां पर रूस का साथ दिया है। लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी देश भारत के खिलाफ ना तो प्रतिबंध लगा सकता है, ना ही भारत के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसके पीछे कारण है, कारण यह है कि इन सबको पता है कि इनका असली दुश्मन रूस नहीं है, असली दुश्मन होने वाला है चीन, जो रूस से कई गुना ताकतवर बन चुका है, कई गुना ज्यादा कैपेबल है। और अगर चीन को आने वाले कुछ सालों में नहीं रोका गया, तो चीन पूरे वर्ल्ड को रूल करेगा। और अगर चीन को रोकना है तो सिर्फ एक ही जवाब है, भारत। भारत के बिना चीन को ना रोका जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है, ना ही हराया जा सकता है। क्योंकि चीन को आप यूरोप या अमेरिका में रहते हुए नहीं हरा सकते। चीन के आसपास आपको एक बड़ी डोमिनेंट फोर्स चाहिए, और भारत इस समय एशिया के अंदर वो अकेली डोमिनेंट फोर्स है जो चीन से टक्कर ले सकती है। ऐसे में पश्चिमी देशों के हाथ बंधे हुए हैं कि उन्हें भारत का साथ चाहिए ही होगा, वो भारत पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। और इसी मौके का फायदा भारत ने उठाया है, और रूस को इस समय बर्बाद होने से तो भारत ने बचा ही लिया है। और रूस को कहीं ना कहीं अब यह पता चल चुका है कि जब कठिन वक्त आया, जब मुश्किल वक्त आया, तो भारत वो देश था जिसने पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़े होकर उसकी मदद करी है। लेकिन अब जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी बर्बादी थी जो भारत ने रोकी है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रूस के हिसाब से नहीं जा रहा है। रूस चाहता था कि 3-4 दिन के अंदर सब निपटा दिया जाए, लेकिन तीसरा हफ्ता भी अब बीत चुका है और लगातार संघर्ष जारी है। और आप ये भी जानते होंगे कि जब टैंक मूव करते हैं, लड़ाकू विमान उड़ते हैं, तो इनका एक एक घंटे का खर्चा कई कई सौ मिलियन डॉलर होता है। और रूस की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही बहुत कमजोर है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने पहले से ही इन पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसे में रूस पर लगातार खर्चा बढ़ रहा था, इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पर थी। रूस ने इसी डर से अपना स्टॉक मार्केट तक अब तक नहीं खोला है, क्योंकि खोलते ही इकोनॉमी एकदम कोलैप्स की। और इसीलिए लंबा चलता युद्ध और बर्बाद होती अर्थव्यवस्था रूस को तबाही की तरफ ले जा रही थी। लेकिन इसी बीच भारत इनके लिए एक बड़ा दूत बनकर सामने आया है। दरअसल रूस ने भारत को ऑफर ये दिया था कि जी अमेरिका हमसे तेल नहीं खरीद रहा, पश्चिमी देश हमसे कम तेल खरीद रहे हैं, ऐसे में हमारी कमाई का एकमात्र जरिया तो तेल बेचना ही है, आप हमसे तेल खरीद लीजिए, हम आपको डिस्काउंटेड रेट पर देंगे। और इसलिए भारत ने 3 दिन पहले करीबन 5 मिलियन बैरल तेल इनसे खरीद लिया था। लेकिन भारत अब यही नहीं रुकने वाला। बताया जा रहा है कि भारत करीबन 15 मिलियन बैरल और ज्यादा तेल रूस से खरीदने जा रहा है। सब कुछ ऑलमोस्ट कंफर्म है, और इससे भारत को भी बहुत भयंकर फायदा होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इस समय जो भी तेल की कीमतें हैं करीबन 100 से लेकर 110 बैरल पर डॉलर, उससे करीबन 25 से लेकर 26 डॉलर पर बैरल की हमें कम रेट में तेल मिल रहा है। यानी कि अगर हम सऊदी से खरीदते तो हमें $100 का मिलता, हम रूस से खरीद रहे हैं तो हमें 74 से लेकर
$75 पर बैरल तेल मिल रहा है, यानी कि हमारी भी भयंकर कमाई हो रही है इसमें। इतना ही नहीं, भारत ने बहुत समझदारी से तेल खरीदा है। पहले हमने 5 मिलियन खरीदा, फिर हमने 15 का ऑर्डर दिया, और आने वाले समय में ऐसे ही धीरे धीरे करके हम ऑर्डर बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम मान लीजिए एक साथ 60-70 मिलियन बैरल का ऑर्डर एक साथ दे देते हैं तो ये दुनिया भर में एक बड़ी हेडलाइन बनती, और भारत की छवि क्या बनती कि जी रूस यूक्रेन युद्ध में भारत रूस की मदद कर रहा है, रूस को पैसा प्रोवाइड करा रहा है, जिससे कि उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के अंदर लोगों को मारने के लिए किया जा रहा है। भारत की छवि बहुत निगेटिव हो जाती। ऐसे में भारत यहाँ पर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। और देखिए, इससे भारत के दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि हमें सस्ती कीमत पे तेल मिल गया। दूसरा फायदा ये है कि हमने जो पेमेंट की है वो डॉलर में नहीं की, भारतीय रुपये में करी है। अब रूस भारत से भारत का रुपया लेगा, फिर उसी रुपये से भारत से खाने पीने की चीजें खरीदेगा, या फिर रूस के लोगों की आम मर्रा की जिंदगी में जो जरूरत की चीजें हैं, जो पश्चिमी देशों से आनी बंद हो गई है, वो भारत से मंगाएगा। इससे भारतीय रुपये की कीमत बढ़ेगी, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारत रूस का व्यापार भी बढ़ेगा। यानी कि इसमें फायदा ही फायदा है, और रूस का भी फायदा है, क्योंकि उसे इतने कठिन समय में इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है जो उसे बड़ी मदद देगा। हालांकि इस पूरी सिचुएशन पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं ये सोच रही थी इस वीडियो में कि सारी न्यूज जो भी बोलते हैं ना, वो ये बोल देते हैं कि पंगा लिया वेस्ट से, रशिया को बचा लिया, वो इस तरह से। अगर हम ही इंडियंस ऐसी न्यूज देंगे ना, तो अगर कोई बाहर वाला सुनेगा तो वही भड़क जाएगा। ऐसे कभी नहीं न्यूज देनी चाहिए। हमें क्या दुश्मनी थोड़ी कोई लेनी है किसी कंट्री से। हमारी तो कोशिश एज इंडियंस ये होनी चाहिए कि हर कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कोई हो। तो अगर यही न्यूज को अगर ऐसे बोला जाए कि भैया हेल्प, क्या हेल्प क्यों बोलते हो कि आपने रशिया की हेल्प की, इंडिया को जरूरत है, इंडिया को भी तो तेल की जरूरत है। अब वो कहीं और से लेगा तो वो महंगी मिलेगा, रशिया ने अच्छा डील दिया है तो इसलिए इंडिया को जरूरत है, इंडिया ने वहां से लिया है, तो इंडिया ने एक बिजनेस डील की है जो जरूरत की चीज है, बिना ऑयल के क्या चल सकता है, तो इंडिया ने वो लिया है। अब वो पैसे दिया, वो पैसों से उनकी हेल्प हो रही है नहीं हो रही है, दैट इज इमटीरियल। ऑब्वियसली उनको चाहिए, पैसे चाहिए, तभी उन्होंने भी कम पे रेट पे दिया है, उनको भी मजबूरी है तभी वो दे रहे हैं। वो ऐसे तो दे नहीं रहे सोच के कि भैया हमारी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है इस फलानी फलानी कंट्री से तो हम इनको देंगे। वो तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोई और कहीं और से उनके जो है जगह जो पहले जाती थी वहां पे, अब जाना सप्लाई कम हो गया है तो उनको अब नुकसान हो रहा है, तो वो कोशिश करें कि किसी को तो दे सके, और कोई क्यों लेगा अगर आप रेट कम करोगे, बिजनेस तो ऐसे ही होता है। तो यही बात है। और अब वहां पे अगर खाली यही इंडिया ही नहीं ले रहा है, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है कई वो भी ले रही है क्योंकि उनको भी जरूरत है, वहीं से आप सप्लाई आती है। तो ये इंडिया कोई आउट ऑफ द वे जाके किसी को दिखा नहीं रहा कि तुम लो ना लो हम तो लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया सब कुछ करेक्ट कर रहा है, बाकी भी लेते हैं, इंडिया भी ले रहा है, तो वो सब सोचना चाहिए। पर जो भी है, इंडिया की मूव इज वेरी गुड, क्योंकि पर्सनल अपनी कंट्री के लिए आप अपनी कंट्री में क्राइसिस नहीं ला सकते हो, तो आपको गुड ऑफर मिल रहा है आप ले रहे हो। और बाकी भी जो लोग हैं, बोले चाहे कुछ भी, करेंगे कुछ नहीं क्योंकि इंडिया ने कुछ ब्रेक नहीं किया। इंडिया जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, अपनी कंट्री का सब सोचेंगे, इंडिया अपनी कंट्री का सोच रहा है, मेरा तो यही कहना है। देखिए, ऐसा है कि जब यूक्रेन ने कहा था कि कोई भी कंट्री जो है रशिया से ना खरीदे ऑयल, तो पहले ये बात हुई थी, तो यूएस ने कहा था ठीक है हम नहीं खरीदते, यूके ने कहा नहीं खरीदते, फ्रांस ने शायद नहीं खरीदे, दूसरे यूरोपियन यूनियन कई कंट्रीज ने बोला देखो भाई हमें तो खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कोई, हम रशिया से ही लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एक झटके में तो हम चेंज नहीं कर सकते, इकॉनमी समय लगता है, मगर अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है उन्होंने कहा लीजिए। सिमिलरली इंडिया जो है 85% इंडिया इम्पोर्ट करता है, मतलब अपनी जितनी भी नीड है उसका 85% ऑयल हम लोग बाहर से लेते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास ऑयल नहीं है और आप ऑयल बाहर से लेते हैं। फिर इंडिया ने कहा होगा देखो भैया हमें सस्ता मिल रहा है, एंड ऑफ स्टोरी, 85% हमारी नीड है, एक कंट्री हमें सस्ता दे रही है तो हम उसे ले रहे हैं, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तुम दे दो सस्ता उतने 25% में, तुम मैच कर दो डील, बिजनेसमैन तो यही कहता है मेरे को 20% कम में यहां से ऑयल मिल रहा है, फॉरगेट जो दे रहा नहीं दे रहा मेरे को बिजनेस कर रहा है, तुम दे दो 20% कम तुमसे ले लेंगे यार, तुम रुपीज में हमसे कर लो, हम तो रुपीज से कर रहे हैं, इनसे
रुपीज में करो डील तो नहीं होता, इसीलिए उन्होंने कहा होगा हमें तो जरूरत है भाई 85% ऑयल की। और ऐसे थोड़ा और इंडिया अकेले ले रहा है बाकी, और आपने सैंक्शन नहीं लगाया, सैंक्शन नहीं है तो सैंक्शन ऑयल पे लगाया नहीं है, ऑयल हमारी जरूरत है तो हम ले रहे हैं सस्ता, एंड ऑफ स्टोरी। अगर सैंक्शन लगाते ऑयल पे तो बड़ी बात, तब देखते हैं, तब पहले यूरोप को प्रॉब्लम आएगी। और यूरोप ने पहले बोल दिया भैया ऑयल अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारे अपनी कंट्री में बड़ी इमरजेंसी हो जाएगी राधर देन ये वॉर होता है। तो हर बंदा अपना देख रहा है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो पहले क्लैरिफाई हो चुका है। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई आप सैंक्शंस करिए, इंडिया उसमें यही कह रहा है भैया तुम मतलब जहां पे नेगोशिएशन हुई होगी ये कोई वेरीफाइड नहीं है, पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ नेगोशिएशन कैसे होती है, क्यों दूसरे लोग आप पे सैंक्शन नहीं लगाते, दूसरे लोग इसलिए नहीं सैंक्शन कराते क्योंकि आप उन्हें ऑब्जेक्टिवली और ब्रेन से बात करते हैं कि भाई तू दे दे ऑयल यार उतने 20 का तू दे दो इंडिया में, जो वो डील दे रहा है तुम उस डील को मैच कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। वो तुम मैच नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, जिसको लोगों को तो ऑयल चाहिए ना। इसमें सिर्फ ये बात क्लियर हो रही है कि इंडिया को इमीडिएटली ऑयल फ्री होना पड़ेगा, इतनी डिपेंडेंस जो पैसा तो हमारा ही जा रहा है, 85% हम जिसको भी देते हैं ऑयल महंगा खरीदते हैं, एंड ऑफ द डे पैसा तो हमारे निकल रहा है, तो ये करना पड़ेगा कि इस ऑयल से मुक्ति मिले पूरे वर्ल्ड को। न्यूक्लियर पावर करो और इलेक्ट्रिक पावर यूज करो जितनी जल्दी हो सके, ट्रांजिशन करो जिससे ऑयल का लफड़ा ही खत्म हो। बिल्कुल, काफी अच्छा वीडियो था। पर ये सुन के काफी शॉक लगा कि रशिया की बहुत हालत जो है खराब हो रही है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है ना खराब हालत हो तो दुख होता है, चाहे वो आप उसके अगेंस्ट हो चाहे फॉर हो, क्योंकि था तो ये अमेरिका को कॉम्पिटिटर और जितना कॉम्पिटिटर्स होंगे अब नहीं, नहीं पर फिर भी हाँ वो तो है, पर कॉम्पिटिटर्स होने ही चाहिए ताकि कोई एक कंट्री जो है पूरी टॉप में ना सबसे पावरफुल हो जाए, क्योंकि अगर वो एक कंट्री पावरफुल हो गई तो वो फिर वो कुछ भी कर सकती है, कोई उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी खड़ा हो जाए तो वो तो कुछ भी करने को, गलत दिमाग हो जाए या कुछ हो जाए तो वो तो दादागिरी शुरू कर देता है, पर अगर कॉम्पिटिशन जैसे कहते हैं ना अच्छा होता है तो उससे सब ठीक चलता रहता है सिस्टम, तो ये तो है। अब चाइना जो है वो खड़ा हो रहा है, और चाइना अगर खड़ा हो गया तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होगी पूरे वर्ल्ड को ही, क्योंकि चाइना की सोच जो है सबको पता ही है, तो उसी को कह रहे हैं कि काउंटर करने के लिए जो है इंडिया की हेल्प तो चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि जो भी बन रहा है चाइना में वो कहां बनाएंगे, चाइना को छोड़ के फिर इंडिया में आना है ना, इंडिया इसलिए मेन चाहिए क्योंकि वहां पे अब सब कुछ बनेगा, जो चाइना करके दे रहा था वो सारा यहां पे करना पड़ेगा कि अब इंडिया वो सब करे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।